हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम है दीपांशु जोशी और आज हम कुछ और करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं और हमारा पहला पॉडकास्ट है जिसके अंदर हमारे साथ हैं मिस्टर राजपाल जी। अभी हम आगे चलते हैं, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पॉडकास्ट किस चीज से रिलेटेड है, तो आपको आगे चलने से पहले आपको पता पड़ जाएगा कि हम किस चीज पे बात करने वाले हैं। तो सर का खुद का एक कैफे है, नटमेग कैफे पुष्कर, जिसके बारे में हम अभी जानकारी देंगे। सर बताएंगे हमको सारी चीजें कि वो कैफे क्या है, आर्ट कैफे क्या होता है, जैसे जितनी भी जनता है, जैसे ये जो कैफे है ये पुष्कर के अंदर है और अभी हम पुष्कर में ही हैं और पुष्कर में बैठ के आपसे बात कर रहे हैं। तो इस कैफे की जानकारी लेने के लिए और इस कैफे के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेटिव चीज बताने के लिए कि इस कैफे में आपको क्या क्या चीजें मिलती है और क्यों ये कैफे और कैफे से अलग है कि आपको पास्ता या मैगी खाने के लिए यहाँ पे नहीं आना है, उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ चीजें मिलती है। तो ऑल ओवर टू यू सर। सभी व्यूअर्स को नमस्ते, मेरा नाम राजपाल है। हमने बेसिकली नटमेग कैफे को स्टार्ट जयपुर से किया था। जयपुर में नटमेग कैफे को पूरा एक साल हो गया है और उसकी एनिवर्सरी पे हमने पुष्कर में भी स्टार्ट करा है, क्योंकि पुष्कर एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे देसी विदेशी दोनों तरह के लोग आते हैं। हम चाहते थे कि और हमारा जो एक्सपीरियंस था पिछले एक साल का जयपुर में कैफे को रन करने का, आर्ट कैफे को रन करने का, वो बड़ा ही अच्छा था। तो हमें लगा कि ये कंसेप्ट हम जब पुष्कर के लोगों को देंगे तो वो उसको हाथों हाथ लेंगे और इस चीज को समझेंगे। कन्वेंशनली अगर मैं बात करूं तो कैफेज में ज़्यादातर लोग जो जाते हैं वो फूड के लिए जाते हैं, बेवरेज के लिए जाते हैं। हम लोग शुरू से ये चाहते थे कि हम फूड और बेवरेज के अलावा कैफे में कुछ ऐसा रखें जो लोगों को एंगेज करे, जो लोगों को स्ट्रेस को बस्ट करे, जो वहाँ के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाए जिससे कि लोगों को वहाँ आना अच्छा लगे, वहाँ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे। आपने देखा होगा कि जयपुर में काफ़ी सारे कैफेज हैं जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज रखते हैं, काफी सारी कैफेज हैं जो स्पोर्ट्स या इंडोर गेम्स भी रखते हैं, काफी सारे कैफेज बुक्स को रखते हैं, काफी सारे कैफेज ऐसे भी हैं जो सिर्फ कैफेज हैं और सिर्फ खाली, मतलब जैसे जयपुर की अगर अपन स्पेशलाइज बात करते हैं, जयपुर के अंदर मेजरली जो क्राउड होता है वो वैसे ही बाहर का है। तो अगर अपन पुष्कर की बात करते हैं तो यहाँ का क्या है, बाहर का क्राउड मोस्टली कम है। जो लोग हैं वो जैसे अजमेर के अंदर ही सारे लोग हैं और बाहर का क्राउड बहुत कम है। जो अजमेर की पब्लिक है वही है, बाहर के लोग ज्यादा नहीं होते। जैसे जयपुर के अंदर तो क्या बाहर के ज्यादा लोग आते हैं, स्टूडेंट्स बहुत होते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे लोकलाइट्स ज्यादा हैं। हाँ, लोकलाइट्स ज्यादा हैं। अजमेर पुष्कर के ही लोग ज्यादा हैं जो कैफे में आना चाहेंगे, जो बार बार आना चाहेंगे और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो रिपीट होंगे। ठीक है, तो कन्वेंशनली जो आर्ट कैफेज थे उनका कंसेप्ट ये था कि जो मैंने देखे थे आज तक उसमें ये था कि आप कैफे में गए वहाँ पे काफी तरह की आर्ट लगाई हुई है। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की आर्ट हो सकती है, वो रेट्रो थीम पे हो सकती है, वो किसी क्लासिकल थीम पे हो सकती है, किशनगढ़ शैली पे कुछ लगा हुआ है या किसी और हैंडीक्राफ्ट्स प्रोजेक्ट लगे कुछ लगा हुआ होगा जी, मतलब पोर्ट्रेट्स लगी हुई होगी। तो बेसिकली दिक्कत मैं, मेरा ये मतलब जो इन्फॉर्मेशन लेने का रीजन सिर्फ यही है, क्या होता है ना कि जैसे अभी जैसे मैंने आपको बताया हुआ था, अपनी पहले बात हुई थी कि लोगों को नॉलेज नहीं है कि आर्ट कैफे है क्या। उनको यही लगता है कि आर्ट कैफे क्या है कि जैसे पोर्ट्रेट्स लगी हुई है हमको उसको देखना है, या वो जगह ऐसी बनाई हुई होगी कि अंदर आपको फोटोज देखने को मिलेगी, आप वहां जाते हैं फोटोज दिखेगी, अंदर एक एम्बियंस होगा और वहां बैठ के आप अपना जो भी खाओगे या जो भी एक्सरसाइजी मतलब कुछ ऑर्डर करोगे तो वो खा पी के आप अपने कैफे के हिसाब से और वापस आ जाओगे। बट द थिंग इज दैट ये ऐसा कुछ है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग है। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो ही समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये आइडिया कैसे आया, मतलब ये चीज पर पहुंचे कैसे? हाँ, वो मैं उसी पे चल रहा था कि हम लोग अदर देन मेरे खुद के अंदर से लाइक एक आर्ट का ये रहता, मैं बचपन में लाइक 10-12 तक कुछ ना कुछ स्केच वगैरह करता रहता था। उसके बाद में मुझे लगा कि आर्ट एक थेरेपी है। आज भी जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा है, मुझे थोड़ा स्ट्रेस में है, मैं कुछ एक कैनवस लेके, सिर्फ पेंसिल लेके, सिर्फ कलर्स को लेके बैठ जाऊं और मेरा एक घंटा कब निकल जाएगा, मेरा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो मुझे लगा कि ये चीज हमें पास ऑन करनी चाहिए दूसरे लोगों को। सही बात चाहिए। ठीक है, आप बिलीव कीजिए मुझे, आप कभी भी अगर यहाँ आते हैं आप सिर्फ आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए कलर्स के साथ में खेलते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली बनाना ही है, आपको कुछ आर्टिस्ट की तरह बनाना ही है, आप सिर्फ ब्रश ले लेंगे आप जरूर कुछ बना देंगे, पेंसिल ले लेंगे आप जरूर कुछ स्केच कर देंगे। ठीक है, सही है। तो मुझे लगता है आपको जब आप यहाँ आके ये एक्सपीरियंस करेंगे, और यही एक्सपीरियंस देने के लिए हमने ये कैफे स्टार्ट किया है। ठीक है, कैफे है, फूड होगा वहाँ पे सभी तरह के, हम लोगों के पास में सभी तरह का फूड भी है। ठीक है, बेवरेज भी है, हम लोग अच्छी कॉफी भी सर्व करते हैं, बट हम लोग आर्ट को अपने सेंटर में रखना चाहते हैं, हम सब कुछ आर्ट के इर्द गिर्द करना चाहते हैं।
इसी के लिए मैं आपको और चीजें बताना चाहता हूँ कि जयपुर में हम लोग, क्योंकि अभी ये नया कैफे है, यहाँ चीजें धीरे धीरे डेवलप होंगी और धीरे धीरे हम यहाँ पे वर्कशॉप्स पे भी जाएंगे, हम बाकी आर्टिस्ट को भी बुलाएंगे। तो जयपुर में हमने पिछले एक साल में करीब 30 के करीब वर्कशॉप्स किए हैं हर संडे पे, जिसमें लोग आते हैं आर्ट की डिफरेंट फॉर्म्स को सीखने के लिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सेरेमिक टेक्सचर आर्ट होती है, ये बहुत ही ट्रेंडी है, लोग आते हैं उसको सीखते हैं। पॉटरी है, जो अपनी व्हील पे पॉटरी होती है, जो पहले कुमार करते थे, आजकल बाकी लाइक इतने लोग मड में हाथ करने के लिए इतने लोग आते हैं कि हाँ मिट्टी में हाथ हो, वो अपना कुछ क्रिएट करे। और वो अपने वो सर मिलता नहीं है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले तो हर जगह गांव क्षेत्र में लोग रहा करते थे, तो उधर ये चीजें बहुत इजीली अपन को मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इतना चीजें देखने को मिलती नहीं है। अब जैसे वही बोल रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हैं कि मटके के ऊपर जो आर्ट बना हुआ था, वो भी आर्ट ही है, जो बनाते वो भी आर्ट ही है, लेकिन वो क्या था, उस समय उसकी वैल्यू नहीं किया करते थे। अब ये है कि वो चीज नहीं है, उसकी वैल्यू बढ़ गई, वो ये जिस चीज की ज्यादा जो चीज ज्यादा दिखती तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और कम होती है तो उसकी वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये आप कभी भी देखिए, ये बेसिक कांसेप्ट है, ह्यूमन नेचर है कि जब भी आप कुछ क्रिएट करोगे ना, तो आपके अंदर से खुशी आती है। ठीक है, चाहे आपने कुछ कैनवस क्रिएट किया है, चाहे आपने कोई पोर्ट क्रिएट किया है, आपने कोई छोटा पौधा लगाया है, वो बड़ा हो गया है, अच्छा लगता है। हाँ, कुछ भी क्रिएट करोगे तो वो जो पॉटरी वाला कंसेप्ट है वो क्रिएशन पे है। आपने छोटा कप बनाया है, बड़ा ग्लास बनाया, कुछ भी बनाया ना, वो आपको अंदर से अच्छा खुशी देगा। और उसी हैप्पीनेस के लिए मुझे लगता है ये नट में कैफे जाना जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे बड़ी चीज तो वही होगी, वही, और हैप्पीनेस देना ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि ये कोई बहुत कम लोग हैं जो दे पाते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये कि एक कैफे का थीम या एक कैफे का मोटिव अगर अपन समझे, इस कैफे की बात करते हैं, बाकी कैफे का मोटिव क्या होता है कि हमको कस्टमर को बुलाना है, खिलाना है, उनको सर्व करना है अच्छा सा, और उनको भाई आप पे करो और आप जाओ, फिर आप नेक्स्ट रिपीट आओगे, आप दो जनों को बताओगे। इस कैफे का मोटिव वो है ही नहीं। सबसे पहली चीज ये कि बात खाने पे या पीने पे तो आनी है, वो तो सेकेंडरी चीज होगी। कैफे का मोटिव है कि अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस है, आप आर्ट के दीवाने हो, आपको कुछ बनाना पसंद है, आप नहीं बना पा रहे हो, आपको जगह नहीं मिल रही है, तो ये जगह आपके लिए है। बिल्कुल, आप यहाँ पे आ सकते हो, आप यहाँ बैठिए, बहुत मिनिमल चार्जेस के अंदर आप आराम से अपनी कैनवस लीजिए और उसको ड्रॉ कीजिए। जैसा कि आपको थोड़ी वीडियोस भी देखने को मिल रही होगी इसके साथ में कि किस तरीके की चीजें आप बना सकते हो या क्या क्या आप ड्रॉ कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आप खुद आप यहाँ पे आइए, एक्सपीरियंस कीजिए पुष्कर में। सबसे बड़ी चीज मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि है कहाँ पर, ब्रह्मा मंदिर के जस्ट पास के अंदर ही आपको ये जगह मिलती है, नटमेग कैफे। आप यहाँ पे आएंगे, लोकेशन आपको नीचे मिल जाएगी, लोकेशन पे आप जाके आराम से यहाँ पे आप जगह ढूंढ सकते हैं और आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, इसके अंदर और क्या क्या चीजें आपने फेस ऑफ करी जब आपने इस चीज को, मतलब जैसे कॉन्सेप्ट आपने सोचा, मानो कि जैसे आज एक साल पहले आपने जैसे जयपुर में स्टार्ट करा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अपन ने आज सोचा और कल बन गया, तो ये मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने बनते हुए देखा है। नहीं नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। जयपुर में सिर्फ इतना पता था हमें कि हम आर्ट कैफे करेंगे जी। पुष्कर में हमें एडवांटेज ये आया कि हमारे पास में एक साल का एक्सपीरियंस था। ठीक है, जयपुर में हमने पहले एक हमारे कैफे के अंदर के रूम को हमने आर्ट कैफे आर्ट स्टूडियो डेवलप किया था। ओके, बट देन वी रियलाइज्ड कि यहाँ तक लोग पहुंच नहीं रहे हैं। ठीक है, पता नहीं पड़ रहा लोगों को, तो हमने उसको उठा के बाहर जहाँ पे सब लोग, जैसे ये आउटडोर स्पेस है, तो हमने उस जगह पे टेबल लगाना स्टार्ट किया। फिर हमने देखा कि जब तक एक आर्टिस्ट करेगा नहीं, जब तक हम लोगों को सिखाएंगे नहीं, तब तक लोगों का इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हमने वर्कशॉप्स करवानी स्टार्ट की। ठीक है, और हम हर संडे वर्कशॉप्स करवाते हैं वहाँ पे डिफरेंट, तो मैंने एक ही लिया था लाइक सेरेमिक आर्ट, उसके अलावा मंडाला आर्ट पे करवाते हैं हम, कैनवस आर्ट पे करवाते हैं, वाटर कलर पे करवाते हैं, पॉटरी करवाते हैं, हैंड बिल्डिंग पॉटरी करवाते हैं। ठीक है, तो ये सारी वर्कशॉप्स होती हैं, लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आते हैं, सीखते हैं, और सीखने के बाद में अभी जयपुर में ऐसा हो गया है कि लोग हर वीक आ रहे हैं, मतलब वैसे तो रोज आ रहे हैं, वो कस्टमर नहीं गया, सबसे बड़ी बात है जो रिपीट हो रहे हैं वो हर वीक आ रहे हैं, वो छोटा कैनवस ले रहे हैं, अपना आर्ट कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो इस लाइक कि आप कैफे में आए, आपने कॉफी ऑर्डर की, वैसे आपने कैनवस ऑर्डर किया, आप बैठे, और एक चीज आपने बहुत ही बीच में लाइक अच्छी ऐड की थी कि ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक, हमने इसको कभी भी प्राइस ही नहीं बनाया। ठीक है, हमने आर्ट को रीच में रखने के लिए हमारा जो स्टार्टिंग कैनवस की रेंज है दैट इज 150। ओके, ठीक है, 150 रुपए कुछ भी नहीं है, हमारी कॉफी हो जाती है 150। सही बात है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि लोग आए उसको एक्सपीरियंस करें, उसके साथ में जो 150 का कैनवस है उसके साथ में हम कलर्स दे रहे हैं, हम उसके अंदर मतलब उसमें सारी चीजें इंक्लूड होकर मिलेगी, आप जो कैनवस ले रहे हैं, जो ब्रशेस हैं वो दे रहे हैं, उसके साथ में जो एक्सेसरीज चाहिए हम आपको, तो सब कुछ साथ में आपको एक प्लेटर सर्व होगा। अच्छा, ठीक है, आर्ट का एक प्लेटर सर्व होगा कि ठीक है आप ये एक्सपीरियंस लीजिए। यहाँ पे
जो वर्कशॉप वाली चीजें हैं वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है और वही हम वीकेंड पे ही वर्कशॉप करने वाले हैं सैटरडे संडे, और म्यूजिक और आर्ट का कुछ फ्यूजन फूड के साथ में। तो सर जैसे कि जयपुर में आपने जब ये वर्कशॉप स्टार्ट करी होगी तो अब ऐसा तो है नहीं कि अपन ने सोचा और वर्कशॉप स्टार्ट हो गया, इट्स नॉट दैट इजी टास्क कि आपने कुछ सोचा और वो हो जाए। अगर इतना इजी होता तो हर कोई कर लेता, तो इतना इजी नहीं होता है। आज अगर मैंने भी कुछ चीज नहीं सोची होगी, आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ आपके साथ बैठ के, तो ये अपन को 15 दिन हो गए सोचते हुए, आज जाके ये चीज हो पा रही है। तो जब ये वर्कशॉप आपने शुरू करने की सोची, आपने सोचा कि यार मैं वर्कशॉप करूंगा, तो ऐसा तो नहीं कि एक सिंगल मैन का आइडिया, आप खुद अकेले कभी कुछ नहीं कर सकता आदमी, टीम होती है, टीम के साथ या मिलके कोई आदमी काम करता है आगे बढ़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने टीम डेवलप की है। हमारे कैफे में आर्टिस्ट, डेडिकेटेड आर्टिस्ट होते हैं जो बेसिकली इस वाले सेक्शन को देखते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं कि जब आप आ रहे हैं तो आपको कैनवस किस साइज का चाहिए, या अगर आपको किसी तरह की ड्रॉइंग में हेल्प चाहिए तो वो आपको हेल्प करते हैं, अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो वो भी। स्पेशली फाइन आर्ट्स वाले जो ग्रेजुएट होते हैं वो हम लोग प्रेफर करते हैं, जिससे कि उनको आर्ट का बेसिक नॉलेज हो, इनफैक्ट बेसिक नहीं एडवांस भी नॉलेज हो। ये रीजन मेरा पूछने का पर्पस खाली इतना सा इसलिए था क्योंकि क्या होता है कि सर आर्ट बनाना मतलब जैसे क्या होता है ना, घर में अपनी कॉपी पे ड्राइंग करना और एक कहीं बैठ के जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं उस पे ड्राइंग करना ना बहुत फर्क हो जाता है। हाँ जी, हाँ क्या होता है ना, आज जैसे मैं आया, मेरे को उस चीज की नॉलेज नहीं है ना, तो मैं ना हेजिटेट करूंगा पूछने में। तो वो जो हेजिटेशन है ना, वो दूर करने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए और बिठाने के लिए वो हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए आपके पास। जैसे कि है ना, कोई आ रहा है तो उसको जरूरत ना पड़े कुछ पूछने की या उसको समझ में ना आए, सामने वाला उसको खुद सारी चीजें बोले, एक सर्व होके मिल रही सारी चीजें, तो वो चीज मिल रही है कि आपको ये चीजें करनी है, आपको इस तरीके से ये चीज होगी या इस तरीके से आपको डिजाइन बननी है। वो क्या होता है ना, कोई सपोर्ट देता है ना तो मजा आता है काम करने में। भाई आज चीजें काम करूंगा तो कोई सपोर्ट मिलता तो उस चीज को करने में अच्छा लगता है। कुछ चीजें ओवर द टाइम हमने डेवलप किया, जैसे मैंने आर्टिस्ट वाला बोला है कि जो ग्रेजुएट है वो रहते हैं। सेकंड, हमने ओवर द टाइम ये रियलाइज किया कि हमें एक आर्ट का मेन्यू बनाना चाहिए। तो आप आए, एक होता है हमारी बेसिक साइकोलॉजी है, जब हम आके जाके देखते हैं कि प्राइस टैग लगा हुआ है, ठीक है, मेन्यू के हिसाब से प्राइस टैग है कि इस साइज का इतने में, इस साइज का इतने में, इस साइज का, या ये पॉट है तो ये इतने का है, आपको जज करने में बड़ा आसान होता है कि मुझे 150 वाला चाहिए, 250 वाला चाहिए, 500 वाला चाहिए, और सबका एक अलग अलग। और सबसे अच्छी बात ये भी है सर कि ना, कोई नया आया ना तो उसको 500 वाला समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसको कुछ बनाना नहीं आता। अब वो जब एक बार 150 वाले ले लेगा, फिर वो बोले यार इसमें मजा आया मेरे, फिर अब मैं थोड़ा और कुछ बनना बड़ा बनाऊंगा, वो जगह टाइम भी स्पेंड करेगा, उसकी आर्ट क्रिएटिविटी भी निकलेगी और चीजें उसकी भी डेवलप होती जाएगी, तो मतलब उसका फायदा ही है इसके अंदर, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, अदर देन दिस हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पास में जो सेरेमिक के प्लांटर्स हैं वो आप जब पेंट करके अपने ऑफिस टेबल पर रख सकें या अपने ड्राइंग रूम में रख सकें, ठीक है, उनकी शेप्स बड़ी अच्छी हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मग की शेप्स हैं, सेरेमिक प्लांटर है, आप उसको पेंट कीजिए, उसमें प्लांट लगाइए, उसको अपने ऑफिस में रखिए, ठीक है। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी सबसे अच्छी चीज है, लाइक जब भी आप ऑफिस टेबल पे या अपने घर पे ड्राइंग टेबल पे या अपने किचन के कैबिनेट पे कहीं पे भी रखते हैं, ठीक है, आपको अपना ही पेंट किया हुआ पोर्ट सामने मिल रहा है, इससे अच्छा वो अच्छा लगता है ना देखने में कि यार वो कोई आएगा ना तो मैंने कराया। हम लोग आर्ट को हमेशा फन से कनेक्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल, हम आर्ट को हमेशा उसकी यूटिलिटी से कनेक्ट करना चाहते हैं, हम आर्ट को क्रिएटिविटी और लर्निंग के साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज, किसी का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, आपका ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, सबका अपना अपना पीओवी है, पॉइंट ऑफ व्यू अपना, हर किसी का अलग पीओवी होता है। अब जैसे क्या होता है ना, कोई कोई ऐसा भी आता है जिसको आर्ट से कोई मतलब नहीं होता, उसका सिर्फ यही है कि मेरे को कैफे एक्सप्लोर करना है। मान लीजिए ऐसे भी आते हैं, मान लीजिए आप पुष्कर आए हैं, आपको पता चला है कि यहाँ पे एक आर्ट कैफे है और राजस्थान में मुश्किल से 2 या 3 आर्ट कैफे हैं, ठीक है, तो आप चाहोगे कि आपने एक्सप्लोर करना है, आप आए, आपने कुछ अच्छा सा मग उठाया, उसको पेंट किया, आप ले गए, ठीक है, एक्सपीरियंस भी हो गया, आपका फूड भी हो गया, आपका जो कैफे विजिट वाला जो पार्ट था वो भी कम्प्लीट हो गया, वो भी कम्प्लीट हो गया। आप फॉर एग्जाम्पल आप लोकल आइटम अजमेर से, पुष्कर से, यहाँ से हैं, ठीक है, आप डेली आना चाहते हैं, देन ऑल्सो वी हैव ऑप्शंस। सही बात है, अगर आप यहीं से हैं, आप हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ नया आर्ट सीखना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने अभी पहली बार 1 साल पूरा होने पे वहाँ पे एक आर्ट कॉम्पिटिशन करवाया, उसके अंदर करीब 50 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें सबने बहुत ही अच्छी आर्ट बनाई, हमारे लिए जज करना ही मुश्किल हो गया कि किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड दें। जी सही बात है ना, तो ऐसी काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पे चलती रहेंगी और जो आप लोगों को ये दिखाने ये पर्पस ही खाली इसका इतना सा था कि अजमेर की पब्लिक जो मेरे व्यूअर्स हैं या जो मेरे को देखते हैं जो इस
सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, नहीं करा तो कर देना, ठीक है। तो जो देख रहे हैं तो उनके लिए पर्पस ये है, और नहीं भी देख रहे हैं तो आपको आर्ट कैफे अगर आना चाहते हो और पुष्कर के अंदर कोई एक ऐसी जगह देख रहे हो कि जहाँ पे सिर्फ खाने के लिए ना हो या सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए ना हो, कुछ क्रिएटिविटी के लिए भी आओ, क्योंकि लोगों के मन में क्रिएटिविटी बहुत सारी होती है, लोगों के मन में उनको करने की इच्छा बहुत होती है लेकिन करने की जगह नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात ये भी बहुत जगह मैंने देखा है कि उनको आता है। इसी पॉइंट से मैं आगे लेके जाऊंगा, हमारे पास में हम लोग डेफिनेटली एक कॉर्नर ऐसा भी डेवलप किया है, अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं और आप चाहते हैं कि आपको सुकून भरी एक कॉर्नर मिले जिसमें आप अपना कैनवस लेके आ जाए, आप अपने पेंट्स लेके आ जाए, आपको सिर्फ बैठने के लिए जगह चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको अच्छी जगह चाहिए जहाँ पे आप बैठ के और अपने क्रिएटिव आइडियाज को और अच्छे से निकाल सकें, ठीक है। आप आइए, अपनी सीट लीजिए, अपना कैनवस पेंट कीजिए, हाफ डन है यहीं छोड़ के चले जाइए, नेक्स्ट डे फिर आपकी नेक्स्ट जो भी विजिट है आप फिर हाफ डन से स्टार्ट कर सकते हैं। सही बात, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिस्ट ऑल्सो, मतलब कोई आर्टिस्ट भी है और वो आना चाह रहा है, हाँ तो वो भी आ सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको यहाँ पे आके इनका ही कैनवस लेना है, आप आइए, आप आने के बाद जब आपका खुद का भी लेके आ रहे हो ना तो यहाँ पे मोस्ट वेलकम है भाई, हर आर्टिस्ट के लिए वेलकम, तो ये पहले खड़े हैं बाहर। जब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आर्ट को प्रमोट करें, तो हम आर्टिस्ट को कैसे रोक सकते हैं कैनवस नहीं लेके आओगे, क्योंकि हर किसी का है ना एक अपना एक ऑरा होता है, हर किसी की है ना खुद की क्रिएटिविटी होती है, उसको नहीं पसंद कि दूसरे कलर्स यूज करना है। मैंने ऐसा, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये बात सही भी हो, नहीं लेकिन होती होगी शायद तक। मैं बताता हूँ आपको, जो अच्छे लेवल के आर्टिस्ट होते हैं वो कैनवस को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं, वो कलर्स को लेके, वो ब्रशेस को लेके, एंगुलर ब्रश चाहिए किसी को, सर्कुलर चाहिए किसी को, स्ट्रेट चाहिए किसी को, कैनवस बहुत ही फाइन क्वालिटी का चाहिए। तो अगर वो सब अपना लेके आना चाहते हैं, वो सब यही करना चाहते हैं, तो कोई इशू नहीं, हमें कोई। तो इस तरीके का कुछ आपको नटमेग कैफे के ओनर मिस्टर राजपाल जी से आपको नटमेग कैफे के बारे में जानकारी मिलती है। देखो वैसे जानकारी की कोई लिमिट नहीं होती, इन्फॉर्मेशन की कोई लिमिट्स नहीं होती कि ना आप जितनी देना चाहो उतनी हो सकती है, लेकिन जो चीज़ है वो सुनने वाली और समझने वाली कि अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि हमने कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको बताया है, तो आप एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। विजिट करने के बाद आप क्या एक्सप्लोर करते हो, क्या आपको ये चीज़ जो हमने बताई वो मिली या नहीं मिली, वो समझ में आया नहीं समझ में आया, एक आर्टिस्ट का माइंड आपको, मतलब आर्टिस्ट के तौर पे अगर आप आना चाहते हो और आपको लगा कि हाँ यार जो मैंने सुना था वही चीज मेरे को यहाँ पे मिली है, या मैंने उसको एक बोलते ना एक फील करा उस चीज़ को। आप आर्टिस्ट हैं नहीं हैं लेकिन यहाँ बैठ के जरूर बन जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे तो हम बना देंगे। और आपको जरूर मजा आएगा। बिल्कुल, आप जब यहाँ विजिट करते हैं तो आप हमें पर्सनली अपना रिव्यू दीजिए कि हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, कई बार चीजों को आपसे सुन के और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में हेल्प मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। जितना हमने अभी इस लेवल पे लेके आए कैफे को, उतना हमने एक साल में सीखा है। हो सकता है नेक्स्ट एक्सपीरियंस आप ही से हम कुछ लेके कुछ नया अडॉप्ट करें, क्योंकि कोई आता है तो वो कुछ बता के ही जाता है सर। कुछ लोग ऐसे बोलते ना कि है ना आज मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, सीखने की अगर ललक होती है और अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ करना है, तो मैंने भी जीरो से शुरू करा था, आज थोड़े से बेस तक पहुंचा हूं, भगवान ने चाहा तो और आगे भी पहुंचेंगे और कुछ भी अच्छा करेंगे, लेकिन ये मजा जब ही आता है जब आप करने की कोशिश करोगे। अगर आप थोड़ा सा भी आप ये सोचोगे यार रहने तो कौन करे, तो फिर तो देखो कुछ भी नहीं होना। एक बार ट्राई करो, एक बार बैठ के सोचो करो, ये हर इट्स नॉट नेसेसरी कि आप, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, ये लाइफ से रिलेटेड बात है कि आप कुछ भी करना चाहते हो, तो आप किसी भी चीज में जाना चाहते हो तो एक बार कोशिश करके देखो, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं और कोई कुछ नहीं बोलता भाई, सब बोलने वाली बातें हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, और अगर ये पॉडकास्ट और ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ जो आपने सुनी अगर ये आपको अच्छी लगी, तो हम और ऐसे पॉडकास्ट लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो ये था आज का नटमेग कैफे पुष्कर, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू सो मच, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। थैंक यू।